बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं बैक केयर प्रोसीजर का डेमो करके दिखाने जा रही हूँ। तो बैक केयर क्या होता है? बैक केयर जब हम लोग बैक को मसाजिंग करते हैं, उसको क्लीन करते हैं फॉर द इंक्रीज सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, टू प्रोमोट रेस्ट एंड स्लीप, टू रिलीफ फैटिक, टू रिलीफ प्रेशर पॉइंट, मेनली प्रेशर जो डिक्यूबाइटिस अल्सर होता है, प्रेशर जो सोर डेवलप हो जाता है पेशेंट में, उसे हम लोग प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को क्या बैक केयर देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि किस इसका प्रोसीजर क्या है। तो जो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होता है बैक केयर के लिए, दैट इज एक बेसिन होना चाहिए जिसमें कि वॉर्म वाटर होना चाहिए। ठीक है, एक स्पॉन्ज, ये जो है स्पॉन्ज क्लॉथ है। ठीक है, मेनली जब पेशेंट बैक केयर हम लोग देने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट का बैक को क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक लोशन या कोई भी सॉप रख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में एक स्पॉन्ज बाथ रख सकते हैं और फिर टॉवेल पोंछने के लिए बैक को, फिर मसाजिंग के लिए पाउडर या तो ऑयल, ये दोनों का यूज़ कर सकते हैं। फिर पेपर बैग और किडनी ट्रे है जो डिस्पोज करेंगे हम लोग कोई भी वेस्ट वाटर या जो भी वेस्ट सामान जो होगा उसको वेस्ट ये कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक मैकिंटोस होना चाहिए या टॉवेल्स होना चाहिए जब हम लोग पेशेंट को बैक केयर देंगे तो उसके साइड में लगाने के लिए, ताकि जो बेड हो वो गंदा ना हो। ठीक है, तो हम लोग जो जनरल इंस्ट्रक्शंस में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम लोग बैक रब, जब बैक केयर देते हैं तो जो अपवर्ड स्ट्रोक होगा वहाँ पे हम लोग प्रेशर ज़्यादा देते हैं। ठीक है, और डाउनवर्ड स्ट्रोक में प्रेशर हम लोग कम देते हैं। ठीक है, पेशेंट का हम लोग बैक का स्किन का कंडीशन देखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ से हम लोग को बैक केयर देना चाहिए। अगर पेशेंट का बैक का स्किन अगर ड्राई है तो हम लोग ऑयल से इसको मसाजिंग करेंगे। अगर पेशेंट का स्किन मॉइस्ट है, थीन है, एडिमेटस टाइप है, तो उसके लिए हम लोग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होता है जो मेनली हम लोग उसे देखकर हम लोग बैक केयर को कंप्लीट करते हैं प्रोसीजर को। तो देखिए यहाँ पर एक पेशेंट है जो कि बेड पे है। ठीक है, तो सबसे पहले पेशेंट को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। हेलो मिसेस सीता देवी, कैसे हैं आप? तो आपको अब मैं भी बैक केयर देने जा रही हूँ। तो अगर आप पेशेंट अगर बैठ कर लेना चाहे बैक केयर, तो हम लोग उसे जैसा वो कंफर्टेबल उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैक केयर दे सकते हैं। अगर ये करवट में लेना चाहती हैं तो हम लोग इसे करवट में देंगे। तो सीता देवी को हम लोग करवट दिलवा रहे हैं और अब हम इसे क्या करेंगे, बैक केयर देंगे। तो करवट ले लीजिए सीता देवी। कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन करना होगा तो विथ ड्रेपिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे, उसके बाद में बैक केयर का। तो क्लीनिंग के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन लेंगे। ठीक है, या स्पॉन्ज बात स्पॉन्ज जो क्लॉथ होगा उसमें एंटीसेप्टिक लोशन लेकर हम लोग को क्या करना होगा, वॉर्म वाटर से लेकर उसे क्लीन करना होगा। बैक का क्लीन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, मसाजिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि क्या है, स्किन हम लोग देख रहे हैं कि, तो अभी हम लोग ऑयल से करेंगे क्लीन ये मसाजिंग। ठीक है, ऑयल लेंगे। ऑयल लेने के बाद में जो फर्स्ट स्टेप होता है बैक केयर का, दैट इज इफ्लुरेज। तो इफ्लुरेज में हम लोग पेशेंट के बैक पे इस टाइप से हम लोग उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपवर्ड स्ट्रोक, और डाउनवर्ड स्ट्रोक हम लोग हमेशा एक बार में जाते हैं और एक बार में नीचे आते हैं विथ प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है,
प्रेशर हम लोग कम अप्लाई करेंगे। जब हम लोग ऊपर की ओर अप्लाई करते हैं, आप लोग फिर से देख लीजिए, इफ्लुरेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग पेशेंट को बैक को इस टाइप से मसाज करते हैं, और फिर सेकंड जो उसका अपवर्ड ये डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा उसको इस कंडीशन में। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दैट इज इफ्लुरेज। सेकंड स्टेप इज पेट्रिसेज। पेट्रिसेज में क्या करना है कि पेशेंट का जो बैक होगा उसको हम लोगों को इस तरीके से उसको मसाज करना है। फिर ये जो नीचे की हम लोग आएंगे तो एक बार में आते हैं, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप होता है नीडिंग, ठीक है। तो नीडिंग में हमेशा हम लोग ये जो होता है इस पॉइंट को हम लोग यूज़ करते हैं। तो नीडिंग में हम लोग पेशेंट को हमेशा नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग करते हैं बैक केयर। इस स्टेप से करना है और फिर ऊपर से नीचे की ओर आना है। फोर्थ स्टेप इज आपका आता है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन में क्या करना है कि हाथ को थोड़ा सा नम करते हुए वाइब्रेट करना है, ठीक है। फिर ऐसे करना है, वाइब्रेट करना है, ठीक है। कोई भी एक स्टेप है उसे हम लोगों को 3-4 टाइम हम लोगों को करना है, और फिर ऊपर से नीचे की ओर आकर इस स्टेप से छोड़ना है। तो फोर्थ स्टेप हो गया आपका वाइब्रेशन। फाइव्थ स्टेप है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में पेशेंट का जो प्रेशर पॉइंट होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं उसको, ठीक है। जो भी यहाँ पर देखिए रिब्स जो होते हैं, यहाँ पे स्पाइनल जो कॉर्ड होता है उसके कॉर्ड के पास में हम लोग उसको फ्रिक्शन दे रहे हैं, ठीक है। फ्रिक्शन को हम लोग कंप्रेशन भी कहते हैं। तो समटाइम्स फ्रिक्शन को लोग इस टाइप से भी फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं बैक एरिया में, ठीक है, ठीक है। या जो प्रेशर पॉइंट होता है उसको इस तरीके से भी उसे अच्छे से फ्रिक्शन हम लोग अवॉइड करते हैं। इससे जो मेनली मसल्स से जो टेंशन होता है रिलीफ होता है, जो प्रेशर पॉइंट होता है वो रिलीफ होता है, फिर उसको इस तरीके से छोड़ते हैं। फ्रिक्शन के बाद में जो सिक्स स्टेप होता है दैट इज टैपोटमेंट। टैपोटमेंट में इस कंडीशन में, ठीक है, कब शिफ्ट हम लोग हाथ को इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद में उसको इस टाइप से आवाज़ करना है टैपोटमेंट, ठीक है। ऐसे ऊपर से नीचे को करेंगे, ठीक। लास्ट वर्ड इज आपका होता है दैट इज टैपिंग। टैपिंग में हाथ का इस तरीके से हाथ को लेकर पूरे बैक एरिया में इसको क्या करना है, टैपिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। या समटाइम्स लोग अलग अलग ऐसे से भी इसको टैपिंग करते हैं। तो ये थे 7 स्टेप्स ऑफ बैक केयर। तो बैक केयर के स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में पेशेंट को क्या करना है, उनको कंफर्टेबल पोजीशन करना होगा। जो भी क्लॉथ हमने रिमूव किया था उन क्लॉथ को पहनाएंगे, मैकिंटोस और टॉवल जो भी है ओके उसे हम लोग हटाएंगे, रिमूव करेंगे और पेशेंट को सबसे पहले कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और पूछेंगे कि प्रेशर आपका रिलीफ हुआ कि नहीं, तो कैसा लगा आपको सीता देवी, ठीक है। उसके बाद में जो भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है प्रोसीजर उसे डॉक्यूमेंट करेंगे। जो भी नर्सेस नोट्स में हम लोग को डॉक्यूमेंट करना होगा विथ साइन डेट टाइम हम लोग उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो भी आज यहाँ पर होगा उसे हम लोग डिस्पोज, मतलब कि जो भी यूज हो चुका है आर्टिकल्स को उसको अच्छे से हम लोग उसे क्लीन करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का वीडियो अगर स्टूडेंट आप लोग और भी देखना चाहते हैं डेमो क्लास का, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।